हेलो कैप्रिकॉन, जिनकी भी राशि कैप्रिकॉन है या आपके पर्सन की राशि कैप्रिकॉन है, आइए देखते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? विल टेक थ्री कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है कैप्रिकॉन के लिए फाइव ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड कार्ड वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो खुद भी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हों या एरीज, लियो, सेजिटेरियस या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ पर तीन एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आपके लिए अपने पर्सन के साथ एक होने में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आसान नहीं है। आप दोनों के बीच में काफ़ी लोग होंगे जो इंटरफेयर करेंगे, काफ़ी लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप दोनों का प्यार है जो एक दूसरे को बांध कर रखेगा। एक दूसरे के लिए इमोशंस, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए डेडिकेशन आप दोनों को एक करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ या उसका टोटल 1 या 5 हो। 1 या 5 की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप दोनों एक होने के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लौट कर वापस आते हैं चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो। लेकिन यहाँ पर एक तभी होंगे जब आप सेल्फ पे वर्क करेंगे, डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, डिवाइन को ट्रस्ट करेंगे और जिस कर्म के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, लोग, समाज, सोसाइटी, डेडिकेशन रहेगी आपकी, अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, लॉयल्टी के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स ज़रूर रिसीव होंगी। सो ये थी कैप्रिकॉन एनर्जी की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।